बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय सोशल मीडिया चैनल्स यूट्यूब एंड फेसबुक पेज। आज की नशस्त भी बहुत अहम है। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बलूचिस्तान और एजेके पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री कम सिविक्स के हवाले से जो पेपर है, उस पेपर के हवाले से गुज़िश्ता जो लेक्चर्स थे मैंने काफ़ी जो अहम टॉपिक्स थे उनको कंपाइल किया था और उनसे जितने भी मारूजी सवालात एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं वो ज़रे बहस लाए थे। आज की क्लास में मैं एक और टॉपिक लेकर आया हूँ। बुनियादी तौर पर ये तीन टॉपिक हैं, इनसे हम देखते हैं मुमकिन तौर पर कौन कौन से मारूजी सवालात एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं। तो आज जिक्र करूँगा मैं एहरार मूवमेंट का, मजलिस एहरार इस्लाम का, खाकसार मूवमेंट का और फ्राइजी तहरीक का। तो ये ऐसे टॉपिक हैं इनके हवाले से भी सवाल पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हिस्ट्री के हवाले से ये बहुत अहम टॉपिक हैं। तो सबसे पहला जिक्र करते हैं एहरार मूवमेंट का, मजलिस एहरार का। इट वाज अ देवबंद मूवमेंट, ये एक देवबंद की तहरीक थी और इसमें दीगर जो मसालक के लोग थे वो भी शामिल थे। बुनियादी तौर पर इसको बनाया था, फाउंडर इसके थे अताउल्लाह शाह बुखारी और इट वाज फाउंडेड ऑन 29 दिसंबर 1929 लाहौर। 29 दिसंबर 1929 को मजलिस एहरार की बुनियाद रखी गई थी, लाहौर में इसकी बुनियाद रखी गई थी और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी इसके फाउंडर थे। इसका मकसद क्या था? ये बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अगेंस्ट थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इसका इत्तेहाद हुआ था। ये फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिशर एंड एस्टेब्लिश्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इस तरह की कोएलिशन गवर्नमेंट कायम करना चाहते थे। अब इस टॉपिक के हवाले से जो मुमकिन सवाल हैं जो पेपर में आ सकते हैं, मजलिस एहरार के जो प्रेसिडेंट थे सैयद मोहम्मद कफील बुखारी थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके सेक्रेटरी जनरल का अहदा जो था वो अब्दुल लतीफ खालिद चीमा थे, ये एमसीक्यू हो सकता है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ एहरार मूवमेंट कौन था। फिर इसके सेंट्रल एंड सीनियर प्रेसिडेंट का जो अहदा था ये प्रोफेसर खालिद शब्बीर अहमद उस्मानी को मिला था। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेपर। और फिर जी सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो थे, ये सवाल आ सकता है, तो डॉक्टर उमर फारूक एहरार इसके सेक्रेटरी जनरल थे। और इसके अलावा ये जो सवाल आ सकता है, इसका स्लोगन क्या था एहरार मूवमेंट का, नारा क्या था या मोटो क्या था? इस्लाम एंड ख़त्म नबूवत। तो ये कुछ अहम सवाल जो एहरार मूवमेंट से आपके लेक्चरशिप के एसएस के पेपर में मुमकिन तौर पर आ सकते हैं। फिर है जी खाकसार मूवमेंट। खाकसार की जो तहरीक है ये शुरू की अनायतुल्लाह मशरकी, अलमरूफ अलामा मशरकी इसके फाउंडर थे। ये सवाल प्रीवियस एक पेपर में आया भी था, ह्यू वाज द फाउंडर ऑफ खाकसार मूवमेंट। तो अलामा मशरकी या अनायतुल्ला मशरकी उनका पूरा नाम था। इट वाज अ सोशल मूवमेंट एंड फाउंडेड इन 1931 लाहौर में कायम की गई थी। ये भी बरसगीर पाक व हिंद में तकसीम के मुखालफ थे, हिंदुस्तान को तकसीम नहीं करना चाहते थे, मुस्लिम लीग की कायदे आज़म की मुखालफत की। और इसके हवाले से जो दो तीन एमसीक्यूज पेपर में हैं वो इसके फाउंडर के हवाले से आ सकते हैं, इसकी फाउंडिंग कब हुई, किस जगह पर हुई और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। और एक और तहरीक है जी, इसको कहते हैं आप जी फ्राइजी मूवमेंट। फ्राइजी तहरीक भी बहुत अहम है जी, इसके हवाले से भी एक दो सवाल पेपर में मुमकिन तौर पर आते हैं, इस दफ़ा भी आ सकते हैं। अभी कुछ ही अर्सा बाद जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चरशिप का और एसएस के जो टेस्ट हो रहे हैं उसके लिए मुमकिन तौर पर फ्राइजी मूवमेंट का अगर हम जिक्र करें तो इट्स अ रिफॉर्म मूवमेंट एंड स्टैंड फॉर फर्ज, नाम से जाहिर है कि फ़र्ज के लिए इस्लामी कवानीन के नफाज के लिए ये तहरीक कायम की गई थी और ये स्टार्टेड इन ईस्टर्न बंगाल, ये मगरबी बंगाल में बुनियादी तौर पर शुरू की गई थी और हाजी शरीयतुल्लाह जो थे इसके बानी थे, ताकि जितनी भी गैर इस्लामी रवायात और ये प्रैक्टिसेस और ये उनका खात्मा किया जाए, फर्ज के लिए खड़े हो जाएं। और इसका ये सवाल आ सकता है, इट्स अ रिफॉर्म मूवमेंट इट्स मीनिंग के हवाले से।
और इसको शुरू किसने किया? हाजी शरीयतुल्लाह ने किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस का खात्मा किया जाए। शुरू कहाँ की गई थी, ये सवाल है मैं। ईस्टर्न बंगाल में इसका आगाज हुआ था। और अगले जो दो सवाल इससे बन सकते हैं, एक ये कब कायम हुई, 1818 में, और फिर 1840 में हाजी शरीयतुल्लाह जो थे उनकी वफात होती है और उनके साहबजादे मोहसिनुद्दीन अहमद इलियास जो मारूफ थे दूदू मियाँ के नाम से, वो फिर फ्राइजी मूवमेंट के सरबरा बनते हैं। इस मुख्तलिफ नशस्त में मैंने आपको एरार मूवमेंट, खाकसार मूवमेंट और फ्राइजी तहरीक के हवाले से वो मुमकिन MCQs डिस्कस किए जो मुमकिन तौर पर आइंदा एग्ज़ाम में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के और लेक्चरशिप के पेपर में आ सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मज़ीद जो अहम तरीके हैं उनके हवाले से जो मुमकिन सवालात हैं उनको ज़रब असलाऊँगा। जजाकल्ला।